नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जैसे कि 2023 का पक्षत्र अभ्यर्थी होने के नाते मैं आज आकर यहाँ पर मेरा नॉमिनेशन दिया हूँ, और सभी युवाओं से मेरी अपील है कि मुझे कामयाब करें और मेरा साथ दें, अच्छे और बुरे की पहचान रखकर वोट दें। ऐसा है, पैसे वालों की पार्टी होती है, गरीबों की कोई पार्टी नहीं होती, सोशल वर्कर की कोई ये नहीं होती, अहमियत नहीं होती। पैसे जिसके पास है और जिसके पास इंफ्लुएंस है उसके पास टिकट होता है। आपको जनता किस मुद्दे पर वोट डालना? बहुत से मुद्दे हैं, जनता खुद जानती है, इसमें मैं बोलना नहीं चाहता। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी बोलना चाहूँ तो बहुत सा टाइम लगेगा इसमें। आपके सर्वे के मुताबिक आपको क्या लगता है कि आपको जो है कितनी वोट मिलने की संभावना नजर आ रही है? देखेंगे, जनता के ऊपर है वो, जो भी है, जितना भी मुझे वोट मिलेगा वो जनता जितना प्यार मेरे ऊपर जताएगी उतना मुझे मिलेगा। जबकि मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने ऑलरेडी दिया है, फिर उसके बावजूद आप इंडिपेंडेंट? मुस्लिम कैंडिडेट या हिंदू कैंडिडेट इसमें वो नहीं है, व्यक्ति की ये है वैल्यू। मतलब गुजरात का जब भी चुनाव हुआ है दो के बीच में ही हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अगर इधर से मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो नुकसान होने का चांस है? किसका नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? अभी तक कुछ नुकसान हुआ है क्या बीजापुर में? हाँ, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने MLA आए, कितने MPs आए, आज तक तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो अभी कहाँ से नुकसान होगा? कुछ नुकसान होने वाला है क्या? क्या ऐसा कुछ लिखा गया है नुकसान होगा बोल के? अभी आपको बीजापुर की जनता किस, आप क्या आपको दें बीजापुर के लोगों के लिए, आप क्या करें, किस मुद्दे पर आप वोट दें? लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत सारे, तमाम जो है जो लोग हैं दूसरे दूसरे धर्म के, सभी कास्ट के, मुस्लिम चाहे हिंदू सिख चाहे जो भी हैं, सब का हमारे साथ में समर्थन है, सब हमारे साथ में, सभी लोग का अच्छा व्यवहार है हमारे साथ में, सब लोग हमारे साथ में अच्छे से, हम लोग उनके इसमें अच्छे से सब कुछ, उनके ईद वगैरह सब मनाते हैं, वो लोग हमारे में रहते हैं, हमारा भाईचारा अच्छा है सब लोगों के साथ में, इस वजह से मुझे लगता है कि बीजापुर के लोग मेरे को वोट दे के कामयाब करेंगे। अभी आप तो, अभी आपको कोई सिंबल दिया गया है या इस पर कोई चर्चा वगैरह हो गई है कि कौन सा? अभी तो सिंबल तो नहीं आया, देखेंगे इसके बाद में कौन सा लूंगा क्या देगी। आखिर में आप जनता को मीडिया की ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया की ओर से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, पब्लिक बहुत शानी है, लोग जनता बहुत आगे निकल चुकी है, वो जानती है, अच्छे और बुरे की पहचान है लोगों को कि किसको वोट दिए देंगे और किसको नहीं देंगे। यार जनता अगर जानती है मैं अच्छा हूँ बोले तो मेरे को वोट देगी। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।